Hello my dear student, I am your teacher of SST. Today's class we study our book of SST, so start our class. स्टूडेंट अब तक हमने 9 चैप्टर हमारे स्टडी कर लिए हैं. आज करेंगे हम हमारा 10th चैप्टर, दैट इज एनिमल्स एंड देयर होम्स. एनिमल्स और उनके घर, जानवर और उनके घर. यानी कि आज हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, उनके घर को क्या कहा जाता है, उनके होम्स को क्या कहा जाता है. तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास. देखिए, वी ऑल लिव इन आवर होम्स. हम सभी क्या करते हैं, हम सभी हमारे घरों में रहते हैं. जैसे कि आप और मैं सभी कहाँ रहते हैं, घरों में. आवर होम्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, विंड एंड वाइल्ड एनिमल्स. अब जो हमारे घर होते हैं, हम घरों में रहते हैं, और ये जो हमारे घर होते हैं ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं. किससे? हीट से, गर्मी से, ठंड से, बरसात से, हवाओं से और जंगली जानवरों से. तो घरों में क्यों रहते हैं बच्चों? घरों में हम इसलिए रहते हैं ताकि हम हमारे जो आगे हैं, लाइक अस एनिमल्स आल्सो नीड होम्स टू लिव इन. और हमारे जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, हम घरों में क्यों रहते हैं, ताकि हमारे अनुकूलित जो एनिमल्स है या जो माहौल हमारे अनुकूलित नहीं होता है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है, उनसे बचने के लिए हम घरों के अंदर रहते हैं. ठीक इसी प्रकार से एनिमल्स को भी रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? घर की ज़रूरत होती है. जैसे हम इंसानों को घर की ज़रूरत होती है ताकि हम रह सकें, जिससे हम प्रोटेक्ट हो सकें गर्मी से, सर्दी से, बरसात से, जानवरों से. इनसे हमें अगर बचना है तो हमें घरों में रहने की ज़रूरत है. ठीक उसी प्रकार से एनिमल्स जो होते हैं उनको भी जिंदा रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है. डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट पैलेसेस. डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, अलग अलग एनिमल्स अलग अलग जगहों पे रहते हैं. अब देखिए, वेयर डू एनिमल्स लिव. एनिमल्स कहाँ रहते हैं? सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ज़मीन के ऊपर रहते हैं. डॉग, कैट, काउ, लायन, एलिफेंट एंड मैनी अदर एनिमल्स लिव ऑन लैंड. अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एनिमल्स रहते हैं ऐसे एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कहाँ रहते हैं, ज़मीन के ऊपर. जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बताया गया, डॉग, कैट, काउ, लायन, एलिफेंट और बाकी खूब सारे ऐसे जानवर होते हैं जो कहाँ रहते हैं, जो ज़मीन के ऊपर रहते हैं. सम एनिमल्स लीव इन वाटर. कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो पानी में भी रहते हैं. ऑक्टोपस, क्रेब, स्टारफिश, फिश, सी हॉर्स एंड मैनी अदर एनिमल्स लीव इन वाटर. अभी देखो मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए हैं, जैसे कि ऑक्टोपस, क्रेब, स्टारफिश, फिश, सी हॉर्स, ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कहाँ रहते हैं, पानी के अंदर पाए जाते हैं. और उसके अलावा भी खूब सारे एनिमल्स हैं जो पानी में पाए जाते हैं. There are some animals which live both on land and in water. अब इसके अलावा कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो पानी के अंदर भी रह सकते हैं और ज़मीन के ऊपर भी रह सकते हैं. अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा था पर्टिकुलर कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो खाली कहाँ रहते हैं, जो खाली रहते हैं आपके लैंड के ऊपर. फिर हमने पढ़े थे कुछ ऐसे एनिमल जो पानी के अंदर रहते हैं. अब हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में जो पानी के ऊपर भी रह सकते, सॉरी ज़मीन के ऊपर भी रह सकते हैं और पानी के अंदर भी रह सकते हैं, दोनों जगह आराम से रह सकते हैं. फ्रॉग, एलिगेटर, डक, टोटोइस, लॉबस्टर एंड मेनी अदर एनिमल्स लीव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. अब देखिए, अब उन एनिमल्स के कुछ एग्जाम्पल दिए गए, जैसे फ्रॉग है, एलिगेटर, डक, टोटोइस और लॉबस्टर. ये कुछ ऐसे एनिमल है जो पानी के अंदर भी रह सकते हैं. जितनी आसानी से ये पानी के अंदर रह सकते हैं, उतनी ही आसानी से ज़मीन के ऊपर रहते हैं तो भी इनका सर्वाइव हो जाता है, और वाटर के अंदर रहते हैं तो भी इनका सर्वाइविंग हो जाता है. देखिए, एनिमल्स होम. अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स के घरों के बारे में. हियर आर सम एनिमल्स होम्स. यहाँ कुछ एनिमल्स के घर दिए गए. अभी तो हमने क्या पढ़ा था, हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा था कि एनिमल्स का ये एक प्रकार से घर हो गया. जो एनिमल्स वाटर के अंदर रहते हैं वो उनका वाटर उनका हाउस हो गया, जो लैंड के ऊपर रहते हैं उनका लैंड हाउस हो गया. अब देखिए, कुछ पर्टिकुलर ऐसे एनिमल्स हैं जिनके पर्टिकुलर घर होते हैं, उन घरों के नाम होते हैं. जैसे देखिए, अ लायन लिव्स इन अ डेन.
लोइन कहाँ रहता है? लोइन रहता है डैन के अंदर। डैन का मतलब होता है पत्थर की जो गुफा बनी होती है, नेचुरल जो गुफा बनी होती है उसे बनाने की जरूरत नहीं होती, नेचुरली जो होती है उसे डैन कहा जाता है, गुफा कहा जाता है। तो एक जो लोइन होता है वो डैन के अंदर रहता है। फिर है मंकी लीव्स ऑन ए ट्री। मंकी कहाँ रहता है बच्चों? जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है मंकी रहता है आपका पेड़ के ऊपर। फिर है ए स्नेक लीव्स इन ए होल। स्नेक सांप कहाँ रहता है? होल के अंदर, छोटा सा छेद होता है उसके अंदर वो पाया जाता है। आगे है ए बर्ड लीव्स इन ए नेस्ट। बर्ड्स कहाँ पाए जाते हैं? बर्ड पाए जाते हैं नेस्ट, घोंसलों के अंदर। फिर है ए काउ लीव्स इन ए शेड। काउ कहाँ रहती है बच्चों? काउ रहती है शेड, यानी कि इनके लिए जो शेड बनाई जाती है उसके अंदर वो रहते हैं। फिर है ए डॉग लीव्स इन ए कैनल। डॉग कहाँ रहता है? कैनल के अंदर। डॉग का जो घर होता है उसे कैनल कहा जाता है। फिर ए रेबिट लीव्स इन ए ब्यूरो। रेबिट कहाँ रहता है? ब्यूरो में, यानी कि जो सुरंग बना के गुफा बना के, गुफा नहीं बोल सकते बच्चों उसको, बोल सकते हम सुरंग, तो उसके अंदर वो रहता है। फिर है स्पाइडर लीव्स इन ए वेब। स्पाइडर कहाँ रहता है? मकड़ी कहाँ रहती है? मकड़ी अपने जाले के अंदर रहती है। तो ये तो आज हमारा चैप्टर था। आई होप आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे बच्चों? इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर है आपके, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स और टिक द करेक्ट और राइट रॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जितना भी वर्क असाइनमेंट है वो सारा हम नेक्स्ट क्लास के लिए रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम वर्क असाइनमेंट हमारा करेंगे। आज आपको क्या करना, आज जो मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया है, कौन सा चैप्टर पढ़ाया है बच्चों? आज मैंने पढ़ाया आपको एनिमल्स एंड देयर होम्स, एनिमल्स और उनके घर, उनके बारे में आज मैंने पढ़ाया है। तो आज आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना है। कन्फ्यूज़न आपको किसी भी सब्जेक्ट में है, किसी भी टॉपिक में आपको कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।